बॉस हमारे पास गियर वाली कार है, उसकी पहचान आपको कैसे करना है कि गियर माउंट देखना है, जिसमें नंबरिंग है वो होती गियर वाली कार, जो प्लेन आ रही है साइड में लिखा होता है रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड वो होती ऑटोमेटिक कार। खड़े में गाड़ी हैंडवे खड़ा होगा, इससे अब नीचे कर दो। जो आप बाइक में काम करते तो वही काम करना है। लेफ्ट पैर आपका क्लिच दबाएगा, पूरा दबा दो। राइट पैर से दो काम है, ब्रेक और राइट वाला एक्सीलेटर, ठीक है, ए बी सी बोलते हैं उनको। फिर आपने राइट में सेट करना है, गाड़ी देखे सड़क देखे उस हिसाब से सेट करना है। राइट हैंड से स्टेयरिंग यूज़ करना है, चाबी ऑन कर लेते हैं, ये भी राइट हैंड का काम है। लेफ्ट इंडिकेटर लेफ्ट के लिए ऊपर कर दिया और नीचे करेंगे तो राइट के लिए, और ये बंद हो गया। यहीं पे लाइट का ऑप्शन है, ये देखो बने हुए हैं आइकॉन बने हुए हैं, और ये डिपर जो गाड़ी पास करने के लिए मांगते हैं, ठीक है। इतने में सारे में हॉर्न है, कहीं से बजा दो। ये आपका लेफ्ट हैंड का काम है, वाइपर ऑन हो गया, बंद हो जाएंगे। उसके बाद एसी इवेंट यहाँ पे आ गए, म्यूजिक स्टूडियो एलईडी वाला आ गया। लेफ्ट में सेट करना है, गाड़ी देखे सड़क देखे, उसके बाद सेंटर में बढ़िया सेट करना है। जो आपके पीछे चल रहा है वही आपको लेफ्ट राइट से ओवरटेक करेगा। ये आपकी पार्किंग लाइट, जो क्या कहते हैं रात में आंधी में बारिश में पार्किंग लैंप बोलते हैं इसको, यूज़ करते हैं, ठीक है। क्लिच दबा के गाड़ी स्टार्ट करना राहुल, क्योंकि अभी BSS की जो कार आ रखी है वो क्लिच दबाने के बाद स्टार्ट होती है, ठीक है। क्लिच आपकी दबी हुई है, गाड़ी को स्टार्ट कर लो। गियर पे आता उल्टा करके जैसे बताया मैंने, लेफ्ट करो इसको और आगे ढकेल दो। ये हमने L बना के गियर ले लिया। अब थोड़ी सी पत्थरों में गाड़ी है तो हम क्या करेंगे, हल्का रेस हल्का क्लिच, क्या करेंगे एडी दबी रहेगी, पंजा ऊपर करो, लेफ्ट वाला फिर ऊपर करो और करो और करो और एक जगह सेट करो, हल्की रेस हल्की क्लिच का द्वारा समय लेके गाड़ी को 10 की रेस में चलाना है। किस में चलाना है, साथ ही साथ राइट में देखो, धीरे धीरे सड़क पर आ रहे हैं, बिना देखे लेफ्ट राइट मूवमेंट मत करना, गाड़ी ठुक जाएगी। और ठुकने के बाद पब्लिक वहीं ऑन स्पॉट डिसीजन दे रही है, वो FIR का वेट नहीं कर रही है, खुद ही कानून हाथ में लेके बरसात दे रही है। तो आपने गाड़ी ऐसा सीखना है, ऐसा चलाना जीवन भर के आप सुरक्षित रहें, आपके द्वारा दूसरे लोग सुरक्षित रहें, और सारे RTO के रूल फॉलो करने, ठीक है। कानून हाथ में नहीं लेना है, ठीक है। लेफ्ट देखो, सेंटर देखो और राइट देखो। अब बढ़ाना हमने 20 की रेस, कितना बनाना है, पहले अंकल को जाना, तो अंकल कौन सी धुन में चल रहे हैं। समय बनना चाहिए अच्छा, माहौल को पढ़ना आना चाहिए राहुल, माहौल पढ़ लिया तो लोग हमें अखबार में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। रेस और बढ़ाओ राहुल, बढ़ाओ। अब देखो काम सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, रेस को छोड़ के क्लिच दबाओ लेफ्ट वाला पे और दो बार पीछे, एक दो रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ते आओ। ये गियर आ गया सेकंड, कौन सा आ गया, अब ध्यान कर रखना राहुल, जब जैसे मैंने कॉपी में ड्रॉ करके समझाया हुआ है, जब आपका फर्स्ट गियर रहता है तो रेस रहती है 0 से 20 की, पर चलाना 15 तक ही है, और आगे कोई गाड़ी चल रही तो 20 कदम पीछे, जैसे भी हम चल रहे हैं सेकंड गियर में तो हमारी कम से 25-30 कदम पीछे है। तो जैसे आप सेकंड गियर में चलाएंगे रेस रहेगी 20 से 30 की, पर मीटर पर रेस रखना 20 से 25, रेस मेंटेन कर हाथ लगा के चलो, और आगे कोई गाड़ी चल रही है 30-40 कदम पीछे, जैसे ऑटो चल रहा तो कम से 40-50 कदम पीछे रखो, वो कभी भी ब्रेक मार के पैसेंजर बैठाने लग जाते हैं, उतारने लग जाते हैं। रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, फिर लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, राइट देखो, आगे वाली गाड़ियों को देखो, राइट से कोई ओवरटेक कर रहा है उसको देखो, सेंटर देखो कौन पीछे चल रहा है। तो अपना जो मेथड है ना, एक तो नॉन स्टॉप बोल के सिखाते हैं, दूसरा मेथड क्या है राहुल, अपना रोज के रोज वीडियो बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बंदों को याद रहे कि पहले दिन क्या आ रहा था और दूसरे दिन क्या आ रहा है। पीछे से हॉर्न मार के गाड़ी साइड मांग रही, हमने साइड दे दी, फिर सड़क पे आ जाओ और रेस बना के चलते रहो। काम समझ में आ रहा है, गुड। करेंगे प्लस का निशान बनाएंगे, जो मैं डायरेक्ट लैंड कर रहा हूँ ये न्यूट्रल की लैंड क्या है। अगर आपका गियर ऐसे खड़ा रहे, ऐसे गियर माउंट पे खड़ा रहता है, अगर आपने जस्ट सीधा किया तो थर्ड जाता है, फिर न्यूट्रल, फिर फोर्थ। तो जैसे कि यहाँ गया थर्ड, ये यहाँ गिरारी होती है, ये गया फोर्थ, कौन सा गया फोर्थ। पर फर्स्ट लगाना हमने, तो आपको लेफ्ट चल के आना है और थोड़ा सा आगे करना है, क्या करना है, यहाँ हो गया फर्स्ट, कंपनी ने सेकंड यहाँ पे दिया है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इधर, सिक्स गियर भी आ चुका है, पर पुरानी गाड़ी में रिवर्स यहाँ पे है। अब आप फर्स्ट में जाल चले गए तो यहाँ शर्त होती है कि यहाँ रेस आपकी 0 से 20 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 0 से 20। अगर आपने सेकंड में जाना है तो यहाँ झुकाना है, इसी लाइन पर चल के आना है, लेफ्ट और लेफ्ट, सेकंड हो गया, यहाँ शर्त क्या होती है, रेस रहेगी आपकी 20 से लेके 30 तक, कितना 30 तक। आप इससे तेज चला रहे हैं या फिर आपका माहौल 20-30 का ही है, तो आपने क्या रखना है, यहीं पे बनाए रखना है, आगे न्यूट्रल करना है, झुका के फोर्थ, थर्ड, कौन सा आ गया थर्ड, सेकंड से कैसे गए दोबारा देखो, ये गया और ये थर्ड में चले गए,
यहाँ रेस कितनी रहेगी? 30 से लेके 40, कितना? 30 से 40। आप इससे बढ़िया माहौल में पहुँच गए और 40 से तेज चलाना चाहते हैं, तो आपने सबसे सरल गियर थर्ड से फोर्थ होता है, न्यूट्रल और ये फोर्थ। यहाँ रेस रहेगी आपकी 40 से लेके 50, कितना? 40 से 50। इससे तेज चलाना, हाईवे पर चढ़ गए तो रिवर्स ये करना आपने, न्यूट्रल झुका के पाँचवा, देखो सेकेंड से थर्ड लगाना और चौथे से पाँचवा लगाने के लिए हाथ सेम चलता है। यहाँ क्या रेस रहेगी? 50 से लेके 60, 70, 80, 90, 100, ठीक है। अब ध्यान कर रखना रोड का, रोड अगर सिंगल है तो गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट ही लेफ्ट चलेगी, कहाँ चलेगी? अगर लेफ्ट टर्न करना है तो छोटा मोड़ करते हैं, क्या करते हैं? छोटा मोड़। क्रॉसिंग हो सकती है कोई, नहीं भी हो सकती है, जब राइट जाना है तो आपने यहाँ बड़ा मोड़ करके इधर चले जाना है, क्या चलना है? मतलब राइट के लिए बड़ा मोड़, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, ठीक है। इसे हम करके दिखाएंगे अभी, ठीक है। बोनट के अंदर तीन उंगली डालना है और बोनट को उठा देना है, स्टैंड लगा दो, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखने वाली बातें क्या क्या हैं, जो हम खुद से रख सकते हैं, बाकी तो हम तो हमने सर्विस करानी है टाइम टू टाइम, तीन सर्विस कंपनी फ्री देती है। उसके बाद आपने 8,000 से 10,000 किलोमीटर के अंदर सर्विस करानी है। यहाँ होता हमारा रेडिएटर, रेडिएटर में एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर जहाँ से आता है, ठीक है। रेडिएटर में पानी करवाओ, रेडिएटर साफ करवा के जब सर्विस करवाते हो, साफ़ करवा के कूलेंट और स्टल वाटर भरवाना है, और एक्स्ट्रा बॉक्स यहाँ पे होता है, इसमें पानी रहता है, ठीक है। अभी है इसके अंदर, तो ये जैसे जैसे यहाँ वर्न होता रहता है वैसे वैसे पानी इसमें आता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे अपना ध्यान रखना, नंबर एक काम। दूसरा काम क्या है, बैटरी के तार आपके लूज नहीं होने चाहिए, अगर गाड़ी जंग बैटरी जंग खा रही है तो इसमें ग्रीस लगा के टाइट करके दोबारा से लगा देना है, ठीक है। तो बैटरी की लाइफ बनी रहती है। अगर आप 1.5-2 महीने के लिए गाड़ी खड़ी कर रहे हो तो बैटरी के ये टर्मिनल खोल के रख देना, तो बैटरी की लाइफ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। और हमने ध्यान क्या रखना, जब सर्विस कराते हो इंजन ऑयल इसमें डलता है, उसके साथ ही आपने फ्यूल फिल्टर चेंज करवाना, मिस्त्री खुद कर देते हैं, ठीक है। फिर भी आप अपना ध्यान रखो, यहाँ पर फिल्टर होता है हर गाड़ी में जी, यहाँ से फिल्टर साफ़ करो, कंडीशन ख़राब है तो नया डलवा लो, ठीक है। उसके बाद ब्रेक ऑयल, जिसके द्वारा ये अभी तक फुल हो रखा है, यहाँ ने खाली होता है, यहाँ निशाना जाता है खाली होते हैं, फुल है तो ब्रेक नहीं लगती है, ब्रेक ऑयल से। और हमने क्या ध्यान रखना, देखिए अपना ये वाइपर पानी ये भरा के रखो, इसमें हल्का सा आधा चम्मच सा शैम्पू या हल्के उस कम मात्रा में जिससे इसे साफ होते रहें, उसका ध्यान रखो। तो जब गाड़ी ठंडी होती है तब हमने गाड़ी का ऑयल चेक करना है, निकाल लो आप, अगर ज़्यादा दिन गाड़ी को सर्विस हो गए तो इसको गेज निकालना है, और यहाँ पे देखो पॉइंट बने हुए हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट तक आपका ऑयल होना चाहिए, ये देखो 2 पॉइंट तक ऑयल है, और इसकी मात्रा चेक करूँ, अभी मतलब सर्विस नहीं मांग रहा, गाढ़ा हो जाए काला हो जाए तब हमने गाड़ी की सर्विस करा लेना, मिस्त्री को दिखा देना, ठीक है, और अपना वापस लगा दो। ये करना है आपने ठंडी गाड़ी में, गर्म गाड़ी में ऑयल घुमा होता है, ऑयल हमारे देखो ब्रेक ऑयल हो गया, गियर ऑयल हो गया, एक गियर ऑयल होता है वही मिस्त्री चेक करा लो, और एक इंजन ऑयल होता है, ठीक है। फिल्टर हमारे एक ये फिल्टर हो गया, और इंजन ऑयल फिल्टर हो गया, और एक हमारा एसी फिल्टर होता है, उसकी क्वालिटी देख लो, अगर चेंज कराने जरूरत हो तो चेंज कराओ, साफ करके काम चल सकता है तो साफ करके चेंज कराओ। मतलब कुछ चीज़ें जो आपने खुद से घर पर ध्यान रखना है, बाकी के अपने मिस्त्री के पास नॉलेज लेते रहना है, ठीक है, क्योंकि वो स्पेशलिस्ट हैं, वो क्या है, गाड़ी के स्पेशलिस्ट। हम तो सिर्फ नॉर्मल ध्यान रख सकते हैं जिसके इमरजेंसी में अपना काम निकाल सकें, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रखोगे गाड़ी कहीं और धोखा दे सकती है। और एक चीज़ और है, यहाँ पे एक इंजन की बेल्ट होती है, बेल्ट की मात्रा यहाँ पे देख लो, वो सिर्फ मिस्त्री बता सकते हैं क्वालिटी कैसी है। आपको लग रहा है उन मिस्त्री को समझ में आता है ख़राब है तो आप उसको चेंज करा लो, ज़्यादा की होती नहीं है, पर इस चीज़ से गाड़ी की लाइफ बनती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों का ध्यान रखो, टाइम टू टाइम सर्विस करो, ठीक है। एक स्पेशल बात और ध्यान रखना कि जो इंजन ऑयल जो चेंज करते हैं हर 10,000 किलोमीटर के हिसाब से चेंज करते हैं, पर 20,000 किलोमीटर पर अपने इंजन ऑयल को फ्लैश कराओ, ठीक है, उससे कि इंजन की लाइफ बनी रहती है, ठीक है। तो अब हम चलते थोड़े ड्राइविंग की तरफ, ठीक है, बंद कर दो स्टैंड, वहाँ से बंद कर दो और ऊपर से इसको छोड़ दो, छोड़ दो, ये हो गया बंद। मैं यू टर्न मारना सिखा रहा हूँ, तो हमने क्या करना है, इंडिकेटर नीचे मारना राइट के लिए, और फर्स्ट गियर लगा लेना, क्या लगाना है, ब्रेक में पैर राइट में देखते हुए, और जब आपको डिवाइडर निकल जाएगा तब आपने राइट में घुमाते आना, क्या करना है, राइट पॉन देखते हुए घुमाते आओ,
जब लगे कि सड़क पर गाड़ी सीधी होने वाली है तब रोड के लेफ्ट आ जाना है, लेफ्ट से ही गाड़ी वापस लेफ्ट आ जाना है। एक बार और दिखाता हूँ, रेस बढ़ाओ, बना कर रखो रेस, चलते रहो। जब भी यू टर्न मारेंगे गाड़ी आपकी लेफ्ट होनी चाहिए, जिससे कि आप इजी घुमा के गाड़ी को टर्न कर सकें। राइट में जाना है हमने, इसलिए राइट का इंडिकेटर दे देना है और डिवाइडर का वेट करना। क्या करना है? डिवाइडर तुम्हारी सीट में आने चाहिए, नीचे मारो डिवाइडर, जब तुम्हारी सीट में आएगा और आगे जान दो, ये हमारे सीट में आने वाला है, तब हम राइट में देखते हुए घुमाते आएंगे, कंटिन्यू कंटिन्यू घुमाते आएंगे और उतना घुमाएंगे क्लिच ब्रेक के द्वारा कि गाड़ी आपकी रोड के लेफ्ट पहुँचे। बिना रेस के काम करते हैं यहाँ पे हम, और लेफ्ट ही पकड़ना है, लेफ्ट से घुमाया और गाड़ी को लेफ्ट ही लेके जाना है। एक बार वापस और देख लो, रेस मेंटेन करो, हल्का हल्का बना कर रखो रेस, लेके चलो। यू टर्न पर स्पेशल ध्यान रख क्या रखना, सेकंड में जाना है तो हल्का क्लिच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए, तो सेकंड में काम कर सकते हैं, या फिर सेकंड में नहीं कर पा रहे हो भीड़ वगैरह है तो फर्स्ट गियर सबसे बेस्ट है। अब जो डिवाइडर का कॉर्नर आ रहा है वो आपके ड्राइवर यहाँ सीट में आने चाहिए हमारे, जैसे हमारे सीट में आएगा अभी आने वाला, रुको इंडिकेटर मार के अब हम घुमाते आएंगे, जैसे हमारे सीट में आ गया घुमाते आएंगे कंटिन्यू। आगे वाली गाड़ी को देखे, दूर है बाइक और पहुँचना किधर है, रोड के लेफ्ट, कहाँ पहुँचना है? रोड के लेफ्ट, और रोड के लेफ्ट ही आपने सीधा करना है और रेस मेंटेन करना है, सीधा सीधा चलते रहना, ये हो गया यू टर्न का तरीका, ठीक है, सीधा सीधा चलते रहो। इस बार हम लेफ्ट में जा रहे हैं, इंडिकेटर ऊपर दे दो, लेफ्ट जब जाना है तो बिल्कुल छोटा मोड़ करके, जैसे मैंने बोला है, ये पॉइंट देखते हुए लेफ्ट बोनेट का और लेफ्ट में देखते हुए, तब हमने क्या करना है, लेफ्ट आते जाना, जब लगे हमारी गाड़ी पूरी दीवार के पास जा रही है तब इस बोनेट को हम सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट ही चलेंगे। अब राइट जाना, राइट में ध्यान कर रखना है, राइट इंडिकेटर नीचे दो और दीवार के कॉर्नर को देखेंगे, वो हमारी सीट में आनी चाहिए, किस में आनी चाहिए, जैसे हमारे इस मिरर के स्टेयरिंग के सीट में आएगा तब हम राइट वाले पॉइंट को देख के बोनेट के को घुमाते आएंगे, बड़ा मोड़ करते आएंगे। जब लगे हमारा राइट वाला पॉइंट सीधा होने वाला है तब हम गाड़ी को रोड के लेफ्ट रख लेंगे। एक बार वापस से फिर देखो, रेस मेंटेन करके चलो, आगे से फिर राइट जाएंगे, इंडिक नीचे दो, जब जब राइट जाना है तो गाड़ी रहेगी लेफ्ट, कहाँ रहेगी, पूरा लेफ्ट रखते हुए गाड़ी को इधर करना है, ब्रेक में पैर लेना है, फिर राइट का कॉर्नर देखना है, दीवार का जैसी कॉर्नर हमारी स्टीयरिंग के सीध में आता है तब हम राइट में घुमाएंगे बड़ा मोड़ करके, और बोनेट का कॉर्नर देखेंगे, बीच सड़क से ज़्यादा राइट जा रहा है तब सीधा करते आएंगे और रोड के लेफ्ट रखेंगे। अगेन रोड का लेफ्ट देखो, इंडिकेटर ऊपर दो, लेफ्ट मतलब गाड़ी पूरी लेफ्ट, लेफ्ट के लिए छोटा मोड़, राइट के लिए बड़ा मोड़, ठीक है, लेफ्ट पॉइंट देखते हुए और लेफ्ट मिरर देखते हुए बोनेट का लेफ्ट कॉर्नर देखते हुए छोटा मोड़ करते आएंगे, सड़क पर नहीं चढ़ते हम, पहले हम सड़क के किनारे पर रखते हैं लेफ्ट में, फिर गाड़ी को सीधा करते आते हैं और गाड़ी को लेफ्ट रख के ही सीधा सीधा चलते रहते हैं और माहौल बनाते हुए सेकंड थर्ड फोर्थ गियर यूज़ कर लेते हैं, रेस मेंटेन करते हुए सीधा सीधा चलते रहो। ये था हमारा लेफ्ट राइट टर्न करने का तरीके। बिना रेस के गाड़ी कैसे चलाते हैं, गियर लगाओ लेफ्ट, अब एड दबी रहेगी, पंजा ऊपर करो, एक जगह सेट करो, सेट करो, सेट करके उसको 10 की रेस में गाड़ी को चलाने की आदत डालनी है, और जैसे 10 का तो मोजा क्लिच पूरी छोड़ दो, छूट गई, फिर वापस हमने गाड़ी को रोकना, पूरा क्लिच नीचे, फिर न्यूट्रल करो, फिर गियर लगाओ लेफ्ट, फिर एड छोड़ के रेस ब्रेक छोड़ दो, एड दबी रहेगी, क्लिच को सेट करो और 10 का तो हमने कंट्रोल करना, क्या करना है, जब भी आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं तो ये काम करना है, कर सकते हो ये वाला काम, इसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि आपने भीड़ में और टोल प्लाजा पे ट्रैफिक जहाँ लगा होगा वो आपने ये काम करना, गाड़ी आगे चल रही होंगी धीरे धीरे आपने क्लिच को दौर गाड़ी चलवानी है, ठीक है, कोई दिक्कत काम समझने में, नहीं नहीं, चलो क्या हम राहुल लेफ्ट लेफ्ट चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, लेफ्ट भी चल सकते हैं, डिवाइडर के पास भी चल सकते हैं, लेफ्ट में क्या होता है कि आपकी जो गाड़ियां खड़ी हैं उनको भी बचाना है और राइट से जो निकल रहे हैं उनको भी बचाना है, तो ये क्या डबल दिक्कत होगी, क्या होगी, बाइक वाले अंकल आ गए, पर आप जैसे ही डिवाइडर कवर कर लेंगे क्या करेंगे, पीछे देखो, जैसे हम अब धीरे धीरे डिवाइडर कवर कर रहे हैं, रेस बनाओ, रेस बना रखो अपनी, धीरे धीरे करके डिवाइडर के साथ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जैसे आप फुल डिवाइडर कवर कर लेंगे इसका फायदा क्या मिलेगा राहुल, अब आपकी राइट साइड लॉक होगी, सेफ होगी, क्या होगा, राइट से कोई आएगा नहीं डिवाइडर के ऊपर से चढ़ के, जो भी निकलेगा आपके लेफ्ट से निकलेगा, आगे जो चल रहा है उसकी चिंता करनी है आपने, रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो,
डिवाइडर का फुल फायदा उठाओ, रेस अपने वही गियर के अकॉर्डिंग हल्का लेफ्ट करो, चलो रेस आपने वही गियर के अकॉर्डिंग रखनी है, लेफ्ट देख के राइट देख के हाथ हल्का रख के। तो ये डिवाइडर काम समझ में आया आपको, डिवाइडर चलना है तो राइट ही राइट चलना है, ठीक है। रेस बना के हाथ हल्का रखते हुए आगे ब्रेक करें, एक ऑप्शन क्या हल्का क्लिच ब्रेक करो, धीरे से फिर ब्रेक छोड़ो, छोड़ दो, दोनों टायर निकलने के बाद पहले रेस लेंगे, क्या लेंगे, जैसी रेस लेंगे क्लिच छोड़ दो, सामने एक और ब्रेक करें। आप चाहो तो फर्स्ट गियर भी लगा सकते हो और चाहो तो सेकंड गियर से ब्रेकरों से निकल सकते हो, ठीक है। रेस बना के हाथ हल्का रखते हुए चलते रहो, कैसा लग रहा राहुल, तो लग रहा मैं आपको सिखा दूंगा, गुड। रेस बना के हाथ हल्का रखते बस आप काम करते जाओ जो आपको कराया जा रहा है, जैसे प्ले ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों को पहले बोलना सिखाते हैं, लिखना बाद में सिखाते हैं। बना रखो रेस, बहुत बढ़िया, फिर डिवाइडर कवर कर लेंगे और डिवाइडर के पास पास चलते रहेंगे, रेस भी आपकी बढ़िया आ रही है, चलते रहो, बहुत बढ़िया। सब्जी मंडी के आगे से हम निकल चुके हैं, आगे फिर टमाटर मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बढ़ा रख रेस, अब रेस बढ़ाना 30 का, कितना बढ़ाना है, राइट में देख के टमाटर कवर कर ले पहले, तो आगे वाला का माहौल देखो, लेफ्ट देखो, सेंटर देखो, जब रेस बढ़ जाएगी 30 की, काम सुनो, क्लिच दबाओ नीचे, बड़े पैर से आगे न्यूट्रल सीधा कर दो, रेस बढ़ाओ क्लिच छोड़ दो, हाथ हल्का रख के रेस मेंटेन करके, अब बढ़ाना रेस 40 कितनी बनाएगा, बना के रख 40 और तेज कर, बहुत बढ़िया, पहले दिन को याद करके, जैसी रेस 40 की बनेगी, काम सुन, रेस को छोड़ क्लिच दबा दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ा क्लिच छोड़ते हो, गियर आ गया चौथा, क्या आ गया, रेस बना रख हाथ हल्का रख, लेफ्ट देख ले बार बार बोल रहे हैं, सेंटर देख, राइट तूने कवर कर रखा है, उधर देखने की जरूरत नहीं है, हल्का रख, अपने कंट्रोल की रेस बना, जैसा तेरे कंट्रोल हो वैसे तुमने गाड़ी चलानी है, अब हमने क्या किलोमीटर स्टार्ट कर दिए, ठीक है, बना रखो रेस, चलते रहो, बहुत बढ़िया। अब रोज़ की 8-9 किलोमीटर के रूट रखेंगे और फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ रोज़ के काम करेंगे, मेरा जो काम था मैंने अब सिखा दिया, अब जो सिखाया हुआ उसमें हम कमियां देखेंगे, आप उस क्या क्या कमी कर रहे हो, बहुत बढ़िया, चलते रहो, कैसा लग रहा है, बढ़िया, कैसे वसूल हो रहे हैं, हाँ। बनाए रख रेस, इसी कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम करो, सारा खेल कॉन्फिडेंस का, ठीक है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, आप दोगे तब साथ बना, ये बहुत बढ़िया, चलते रहो, गुड। हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं, हल्के हाथ चाहिए दोनों, राइट हैंड भी और लेफ्ट हैंड भी, इसकी रेस होगी, रेस को छोड़ के अब कहाँ काम करना, रेस छोड़ प्लीज, सब हल्के हाथ से आगे न्यूट्रल कर, एक बार और कर, रेस बढ़ा के लिए छोड़ दिया, ये आ गया थर्ड, क्या आ गया, लेफ्ट में देख सेंटर देख, अपने आप को अलर्ट रख, आगे कोई गाड़ी चल रही है उससे दूरी मेंटेन कर, बना रख रेस, अच्छा बैलेंस बना, बहुत बढ़िया, पहले दिन याद करते हुए। अब हमने 40 की रेस बनानी है, जैसे 40 की रेस बनेगी, अब हमने रेस छोड़ना है, क्लिच नीचे दबा दो और पीछे, एक दो, रेस बढ़ा क्लिच छोड़ दिया, जिस गाड़ी में पाँचवा गियर है 50 की रेस बनानी है, क्या बनानी है उसमें, आगे न्यूट्रल करना, हल्के हाथ से राइट झुका के सीधा कर देगा पांचवा गियर, और उसके बाद 100, 60, 70, 80 जैसा कंट्रोल हो वैसे चलानी है, इस गाड़ी का टॉप गियर ये है चौथा, तो आपने 60, 70, 80 नंबर चला के देख लो मेरे साथ बैठ के, जैसा कंट्रोल हो 50 चल रही 50 चलाना, 60 चल रही 60 चलाना, फिर लेफ्ट देख लो, फिर सेंटर देखो, राइट थोड़ा कम देखो क्योंकि राइट तुमने कवर ही कर रखी है, हाथ हल्का रख के रेस मेंटेन करके, पहले तो नहीं याद है, आज कैसा लग रहा है, बहुत बढ़िया, चलता रहा दूरी मेंटेन करके, रेस गुड, जाने दे गाड़ी को, बहुत बढ़िया। तो सिटी में निकलते निकलते हमारी रेस साइड आ रही है, अब इतने ही दबा के चलते रहो, अपना हाथ हल्का रखना है, मन हल्का रखना है, ऐसे बेकू बहुत मिलेंगे, आगे से घूम के आ सकता है, रेस बढ़िया रख, हाथ हल्का रख, बहुत बढ़िया, चलते रहे, गुड। सबसे ज्यादा ध्यान जाएगा तेरा सेंटर में, कहाँ जाएगा, राइट देखना, यहाँ देखना, इधर लेफ्ट देखना है, सेंटर देखते हुए अपने आप को हल्का रखते हुए काम करना है, बहुत बढ़िया। जब भी आप कहीं लॉन्ग रूट पर निकले हो सारे डॉक्यूमेंट साथ लेके चलो, ठीक है,
गाड़ी का आरसी, इंश्योरेंस, अपना आधार कार्ड, पीयूसी, पोल्यूशन का जो होता है, ठीक है, एक कहीं भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है उस हिसाब से काम करना है। बना रखो रेस, पहले दिन को याद करते हुए, बहुत अच्छे, गुड। आज हम आपको थोड़ा सा लॉन्ग रूट लेके चल रहे हैं, अभी तक गली मोहल्ले में अपना काम चल रहा था। बहुत बढ़िया, क्या बात है, हाथ हल्का रखना, घुमाव में ज़्यादा पावर यूज़ नहीं करनी है, अच्छी स्पीड आ रही है, तो जैसा तेरा हाथ हल्का रहेगा गाड़ी वैसे उतनी अच्छा चलेगी। सारा खेल क्या है, अपना कंट्रोल क्या है, जैसे तेरा कंट्रोल रहेगा कितने स्पीड में काम कर सकता है उस हिसाब से काम करना है। अब रेस कम करते हैं, सिटी से बाहर निकल के, पर आज हमारा सिंगल रोड है, सोवा से तरफ जा रहे हैं, 30 की रेस बनानी है, सेकंड में चल रहे थे, रेस को छोड़ के पहले क्लिच दबाना, क्या दबाना है, आगे न्यूट्रल कर गियर को एक बार और कर दे, बहुत बढ़िया, रेस बढ़ा क्लिच छोड़ते हैं, तो न्यूट्रल पे एक सेकंड रुकना हर गियर में लगाते समय, रेस बना के हाथ हल्का रख के लेफ्ट देखो, थोड़ा सा सेंटर और राइट ज़्यादा देखो, जो पीछे चल रहा है वो आपको राइट से ओवरटेक करेगा। ये बीकानेर का बजरंग दौरा फेमस मंदिर, बनाए रखो रेस, और समय लेके 40 की रेस बनाओ, सिंगल रोड है तो गाड़ियाँ लेफ्ट में चिपका के रखना पूरी, अब इस टाइम आपको लोग आपको राइट से ओवरटेक करेंगे, रेस को छोड़ो, क्लिच नीचे दो बार पीछे, एक दो, रेस बढ़ाओ, क्लिच छोड़ दो, पूरी क्लिच छोड़ दो, बढ़िया, रेस बना के हाथ हल्का रख के, तो इस गाड़ी का टॉप गियर फिर लग गया, रेस बनाओ, हाथ हल्का रखो, रेस कंट्रोल करो कि आगे से बस ट्रक को ओवरटेक करके आ रही है, मौका मिलेगा तब हम बाइक को ओवरटेक करेंगे, फिर राइट में देख, सेंटर देख, वो गाड़ी भी ट्रक हमारी तरफ आ रहा है, अब रेस बना के इस बाइक को ओवरटेक करो, बढ़ाओ रेस, बाइक को तो ओवरटेक कर रहे हैं पर हमारे सामने आगे क्या आ रहा है, चढ़ाई, चढ़ाई पे कभी हम ओवरटेक नहीं करते, फिर लेफ्ट आ जाओ, बढ़ा के रख रेस, क्योंकि हमें नहीं पता आगे से कितनी गाड़ी आ रही है, ठीक है, तो गाड़ी को लेफ्ट ही रखना है, बढ़ा रखो रेस, रेस बना रखो, अभी तो कोई नहीं है, पर कई बार क्या दो दो गाड़ी आगे सामने से आ जाती हैं, रेस बना के हाथ हल्का रख के, कैसा लग रहा है आज आपको, रेस बना रखो, चलते रहो, तो सिंगल रोड पर लेफ्ट चलना है और डिवाइडर वाले रोड पर राइट भी चल सकते हैं, लेफ्ट भी चल सकते हैं, दोनों साइड आपको मैंने गाड़ी चलवा के दिखा दिया है, और अपने कंट्रोल में गाड़ी चलानी है, बढ़ाओ रेस, और आगे चढ़ाई आ रही है, यहाँ भी लेफ्ट रखेंगे, चलते रहो, ये बाइक राइट से ओवरटेक कर रही है, खुद अपने आप को बचा के चल रही है, क्योंकि हमने अपनी एक साइड कवर कर रखी है, अगर बीच रोड पर चलते तो लोग लेफ्ट राइट से कहीं से भी निकलेंगे, रेस बना रखो, हाथ हल्का रखो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत अभी तक काम करने में, समझने में, बना रखो रेस, राहुल है कोई दिक्कत नहीं, गुड, चलते रहो, फिर आगे वाली गाड़ी से दूरी मेंटेन करना आना चाहिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रेस बना के हाथ हल्का रखते हुए, जितना मन हल्का रहेगा जितना उतना बढ़िया तेरा काम रहेगा, वो देख रॉन्ग चल रही है, थोड़ी कहाँ चल रही है, अपनी गाड़ी को ही अपनी लेफ्ट चलाना है, हमने उसकी तरह नहीं चलाना है, वो एक एक गड्ढे को बचाने के लिए लेके जा रहा है, नीला सुमाल आगे से गाड़ी आ रही है, बहुत बढ़िया चलता रही, आगे घुमाव आ रहा है, घुमाव में हमने गाड़ी ये रखना, लेफ्ट रखना है, स्लो रखना है, बहुत बढ़िया, अपने कंट्रोल में, जैसा तुम्हारा कंट्रोल हो वैसा काम करना है, डर पैदा नहीं करना है, विदाउट मेरे सपोर्ट के तुमने काम करके देखना है, तो मेरा जो सिखलाई का काम तो ख़त्म हो गया, सेंटर देखो, राइट देखो, बढ़िया, रेस आ रही है, सिंगल रोड पर चल रहे हैं, पहले दिन को एक बार याद कर ले, आज फौजी ने मेरे वहाँ तक पहुँचा दिया, क्यों समीर, कैसा लग रहा बंदा, बढ़िया चला रहा है, बढ़िया रखो रेस, गाड़ी लेफ्ट लेफ्ट बाहर रखना है, बहुत बढ़िया,
अपना लेफ्ट मत छोड़ो, सिंगल रोड पे चल रहे हैं, कोई आपको गाड़ी ठोक के नहीं जाएगी। डिवाइडर चल रहे हैं तो वहाँ ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। ओवरटेक नहीं करेंगे, लेफ्ट संभालो, ब्रेक बजा रखो अपना, लेफ्ट टर्न निकालो गाड़ी को। बहुत बढ़िया,